हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज है 4 फरवरी, जिसे पूरे विश्व में कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो हम भी आज इस खास मौके पर जानेंगे कैंसर के विभिन्न पहलुओं के बारे में। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से हम बातचीत करेंगे कि वास्तव में कैंसर क्या है, इससे कैसे लड़ा जा सकता है, कैंसर के कितने प्रकार हैं, क्या लक्षण हैं, क्या बचाव हैं, और जागरूकता के लिहाज से आज कितनी चुनौती है डॉक्टर्स के पास भी और आम जनता के पास भी। तो भ्रांतियों से भी हम लड़ेंगे और जानेंगे कि क्या भ्रांतियां इससे जुड़ी हुई हैं। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। कैंसर एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही सबसे पहले लोग डर जाते हैं। वैसे तो सभी बीमारी काफी कष्टकारी होती है, लेकिन कैंसर एक ऐसा रोग है जो अपने आप में काफी गंभीर समझा जाता है, क्योंकि ये शरीर में कहीं भी कभी भी हो सकता है, और अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो इससे जान भी जा सकती है। लेकिन आप इस रोग से कैसे दूर रह सकते हैं, अगर इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आपको क्या करेंगे, अपने डॉक्टर्स पैनल के साथ में परिचय मैं करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है NHMMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कैंसर सर्जन डॉक्टर मौराय। डॉक्टर मऊ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पीयूष। डॉक्टर पीयूष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सिद्धार्थ तुरकर भी हैं हमारे साथ में, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीन गेस्ट इसलिए क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट में जो पहलू होते हैं ट्रीटमेंट के, वो तीन ही होते हैं, सर्जरी, कीमो और रेडिएशन, और उसके बाद में मेडिकेशन। ये तीन पहलू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो आज हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर मऊ, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करूँगी। आज हम विश्व कैंसर दिवस मना रहे हैं, कैंसर दिवस मनाने के पीछे क्या मकसद है, और एज ए डॉक्टर आपको कितना जरूरी लगता है आज का ये दिन? देखिए, कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो हम जानते हैं कि इन अ वे वो डेथ कर सकता है, वो इतनी घातक डिजीज है। लेकिन उसकी अगर फ्लिप साइड देखें तो अगर उसका हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं तो हम उसको क्योर कर सकते हैं और हम उससे निजात पा सकते हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम इस बीमारी के अगर लक्षण हमारे शरीर में दिख रहे हैं तो हम तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। डिजीज का डायग्नोसिस अगर हमारा अर्ली होता है तो क्योर उसमें निश्चित हो जाती है और हम उसमें विक्टिम की जगह सर्वाइवर बन सकते हैं उस डिजीज के। तो इसीलिए अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड कैंसर डे हम इसीलिए ही सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम कैंसर की अवेयरनेस बढ़ा सके। बिल्कुल, और ये अवेयरनेस ही है डॉक्टर पीयूष, जो बहुत सारी बीमारियों का आपने देखिए कि साइंटिस्ट ने उन्मूलन कर दिया, यानी कि उसको जड़ से खत्म कर दिया। तो जब तक जागरूक होकर ट्रीटमेंट के लिए लोग नहीं आएंगे, रिसर्च नहीं होंगे, तो हमें लगता है इस बीमारी से हम लड़ाई हमारी कमजोर पड़ जाएगी। इस लिहाज से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है डॉक्टर? देखिए, जैसे मैम ने बताया अभी, वो क्या रहा है, इंसिडेंस ऑफ कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम 2018 और 2020 के बीच में कंपेयर करें तो 2018 में लगभग 10 लाख न्यू केसेस निकलते थे, जो अभी 2020 के डेटा में हम लोग देखें तो वो 13 लाख हो गया है। तो एवरी ईयर इंक्रीमेंट तेज़ी से हो रहा है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत हम लोगों को आ रही है कि मॉर्टेलिटी भी इसके साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें जो केसेस मिल रहे हैं दे आर इन द एडवांस स्टेज। तो बहुत ज़रूरी है ये अवेयरनेस हो, फियर ऑफ ट्रीटमेंट ना हो, जिसके हमारे पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सके और सर्वाइवल बेटर हो, पेशेंट ठीक होकर जाए। बिल्कुल डॉक्टर सिद्धार्थ, चूंकि कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट भी अपने आप में काफ़ी चैलेंजेस होता है किसी पेशेंट के लिए, उस पर साइड इफेक्ट से लेके उसमें तकलीफें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे में अगर देखा जाए पूरे विश्व में, जब अगर कैंसर दिवस मनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हार्ट के बाद अगर कोई दूसरी गंभीर बीमारी के तौर पर तेजी से बढ़ा है तो वो है कैंसर। कैसे देखते हैं आप आज वर्ल्ड कैंसर डे को एज ए डॉक्टर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो हार्ट डिसीजेस के बाद जो डेथ का सबसे बड़ा कारण है वो कैंसर ही है।
एंड कैंसर में अगर हम देखें तो बहुत सारे अनरजिस्टर्ड केसेस है, बहुत सारे जो लो मिडल क्लास इनकम ग्रुप जो कंपनी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज़ में रजिस्ट्री इतनी प्रॉपरली इतनी स्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होती है, तो वी हम नहीं जानते हैं कि कितना इंसिडेंस एक्चुअली में हो रहा है, और मे बी डेथ का आंकड़ा जितना हम कोट कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है. अब जिस टाइप की डॉक्टर पीयूष ने बताया और मैडम ने बताया कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो अवेयरनेस की ज़रूरत इसलिए है ताकि इस टाइप की बीमारी होती है लोग ये भी समझे, दूसरा इसका एक ट्रीटमेंट पॉसिबल है जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ये सेकंड मैसेज हम देना चाहते हैं. और तीसरी बात ये है कि इसको आपको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आप क्या चीज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें लोगों तक बतानी बहुत ज़रूरी है. अच्छा डॉक्टर मऊ, अगर इस बीमारी को स्टेट के हिसाब से हम देखते हैं, किसी भी राज्य के हिसाब से देखते हैं, अगर छत्तीसगढ़ की आप बात करिए, तो यहाँ जो आपके पास में पेशेंट पहुँचते हैं किस टाइप ऑफ कैंसर के पहुँचते हैं, किसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंडेंसी देखने को मिल रही है, उस दिशा में हम अगर जागरूकता अभियान चलाते हैं तो क्या ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है. देखिए, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि इस स्टेट में और इवन अक्रॉस इंडिया, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो कॉमन कैंसर हम देखते हैं वो है हिडन नेक कैंसर, यानी मुंह और गले के कैंसर. और हम सब जानते हैं कि उसका कारक क्या है. उसका कारक है तम्बाकू सेवन, गुड़ाकू मंजन एंड स्मोकिंग. ठीक है, तो अगर हम इस हैबिट पे रोक लगा सकते हैं. अब मुंह और गले का कैंसर का जो बर्डन है वो 30% ऑफ ऑल कैंसर्स है. अगर हम इस आदत पर रोक लगा सकते हैं, चाहे वो सरकार द्वारा एक लॉ इम्प्लीमेंट हो, चाहे वो पब्लिक में अवेयरनेस करके उनको इंडिविजुअली हम उनको एक्टिव करें कि वो उन आदतों से मुक्त हो, तो हम 30% ऑफ बर्डन ऑफ कैंसर से मुक्त हो सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा फिगर है. दूसरा, जो फीमेल्स में जो कॉमन कैंसर हम देखते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, दोनों में प्रिवेंशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. ब्रेस्ट कैंसर में जैसे प्रिवेंशन के लिए मैं कहूँगी कि महिला महीने में एक बार मेंसेस के पीरियड्स के 7 दिन के बाद अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करे. इसके वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में कि ब्रेस्ट की जाँच खुद कैसे वो कर सकती है. और एक 50 की उम्र के बाद, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है, तो 50 की उम्र के बाद साल में एक बार मेमोग्राफी जरूर करवाएं. सर्विक्स कैंसर दूसरा कॉमन कैंसर है महिलाओं में. सर्विक्स कैंसर का मेन कारण है, वो बहुत अलग है उसका इटियोलॉजी, उसका मेन कारण है वो वायरस से होता है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है. तो जिस तरीके से कोविड एक वायरस है और वायरस के लिए वैक्सीनेशन आ गया है, वैसे सर्विक्स कैंसर के लिए वायरस ये वैक्सीन बिल्कुल एग्जिस्टेंस में है. 9 से 15 साल की यंग लड़कियों को अगर वैक्सीन दिया जाता है एचपीवी वायरस के लिए, तो 70-80% हम सर्विक्स कैंसर को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं. और 15 से 26 साल की अगर एज हो जाती है तो उनको 3 डोज ऑफ एचपीवी वायरस वैक्सीन दिया जाता है. WHO ने भी कॉल किया है कि वैक्सीनेशन को इतना बढ़ाया जाए एडोलेसेंट लड़कियों में कि बाय 2030 हम सर्विक्स कैंसर को एलिमिनेट कर दे वर्ल्ड से, क्योंकि एक वायरस से होने वाला कैंसर है. ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स को हम वर्ल्ड से एलिमिनेट कर चुके हैं, जो एक वायरल डिजीज थी, उसी तरीके से हम सर्विक्स कैंसर को भी एलिमिनेट करना चाहिए. इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया था डॉक्टर मऊ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां थी जिनका उन्मूलन हो चुका है, अब खत्म हो चुकी है बीमारियां. अगर टीका मौजूद है तो टीके के लिए अवेयरनेस करने की जरूरत होगी. अगर कारण है इतना बड़ा टोबैको तो उसको दूर करने की जरूरत होगी. डॉक्टर पीयूष, जैसा कि डॉक्टर मऊ ने कहा कि सारी चीजें जब पता है आपको, उसके बाद भी वो हैबिट रहती है किसी इंसान के अंदर में, तो फिर वो एक बहुत बड़ा कारण बनती है किसी भी बीमारी का. ऐसे में जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट होता है वो कितना चैलेंजेस होता है अगर शुरुआती स्टेज को पार करके कोई पेशेंट पहुंचता है? देखिए, जैसा भी दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, हेड एंड नेक कैंसर जो मैम ने बताया, अपना एडिक्शन टबैको एडिक्शन, वो दो फॉर्म में हो सकता है, स्मोकलेस जो कि गुड़ाकू तम्बाकू, या फिर स्मोकिंग. आप ये जान के आश्चर्य होगा आपको कि 17 से 18 तरह के कैंसर टोबैको रिलेटेड हैं बॉडी में, जो सिर्फ टोबैको के कारण हो रहे हैं. अब जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि एडिक्शन, जो निकोटीन है जो सब्सटेंस उसमें, दैट इज कॉजिंग एडिक्शन, जिसके कारण वो उसको छोड़ नहीं पा रहे. सेकेंड एग्जाम्पल जो मैम ने लिया था, सर्वाइकल कैंसर, अभी जिस तरह का एलिमिनेशन के लिए चल रहा है अपना कि वैक्सीन दे के एलिमिनेट कर सके, इसमें एक चैलेंज रहता है कि अगर
आफ्टर वैक्सीनेशन ऑल्सो या आफ्टर ट्रीटमेंट एचपीवी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ अ पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन, मतलब वो पुअर साइन है आपके डिजीज इज गोइंग टू रिलैप्स सून, इसका ये मतलब है। और अब कुछ चीज़ें रहती हैं जिसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब एडिक्शन है किसी को तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, जिससे वो डी एडिक्ट हो सके, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। पेशेंट को मोटिवेट करते रहना है आइदर डॉक्टर स्टाफ और फैमिली, जिससे वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करे, बाद में रेगुलर फॉलोअप, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मिसिंग है, दैट इज़ फॉलोअप। पेशेंट ठीक हो जाता है, उसके बाद फॉलोअप पर आना ही छोड़ देता है, जिससे अगर बीमारी फिर से रिकर हो रही है तो वो हम लोग जल्दी नहीं पकड़ पाते। तो ये सारी चीजों के लिए पेशेंट को मोटिवेट यही चैलेंजेस है डॉक्टर पीयूष, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और यही कारण है कि वर्ल्ड कैंसर डे बनाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिस पर हमको अवेयर रहने की जरूरत है। डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसा कि मैम ने भी कहा, डॉक्टर पीयूष ने भी कहा है कि एडिक्शन वाला जो पॉइंट है, शुरुआत में आजकल देखिए कि आज कैंसर के लिए एज भी मैटर नहीं कर रही है। पहले के समय में ये था कि भाई बुजुर्ग है या कोई सीनियर सिटीजन है उसको हो गया, लेकिन अब यंग एज में भी कैंसर काफी देखने को मिल रहा है। एज ए यंग डॉक्टर, कैसा आप फील करते हैं कि ये जो एडिक्शन है, इससे बाहर निकालने के लिए कम से कम जिस बीमारी को रोका जा सकता है उसको रोकने के लिए क्या जरूरत है, अभी कैसे उससे बाहर निकाला? देखिए, आपने जो ये पॉइंट रेस किया कि अब यंग पेशेंट्स में भी ये कैंसर देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ कैंसर जो पहले सिर्फ ओल्ड एज में दिखते थे, जैसे कि लंग कैंसर है या फिर हेड नेक के कैंसर है, ये जनरली 40 से 50 साल के बाद की उम्र में दिखते थे, बट अब ये हम देख रहे हैं कि इवन 25 साल के लड़के को इस टाइप के कैंसर के साथ हम डायग्नोज कर रहे हैं। तो मोस्टली ये एक चीज बताई जा सकती है कि टोबैको की लत प्रोबेबली बहुत जल्दी लग जाती है लोगों को, शायद 10 साल से, क्योंकि टोबैको का एक्सपोजर भी इतने साल का हो रहा है तभी उनको इस टाइप के कैंसर हो रहे हैं। तो ये एक तो सरकार को नियम और कड़क करने की और उसको बहुत अच्छे से फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि आप जो इंडिया में अगर हम कैंसर का इंसिडेंस देखेंगे तो एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि 10 ईयर्स अर्लियर हमको डायग्नोस हो रहे हैं, मतलब सेम कैंसर अगर वहाँ पे 55 की उम्र में डायग्नोस हो रहा है तो हमारे यहाँ 45 की उम्र में ही वो चीज़ डायग्नोस हो जा रही है। तो हमारी जो डेमोग्राफिक्स है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड इज क्वाइट डिफरेंट, एंड हमारे यहाँ जो जिस टाइप से डिसीज का इतना ज़्यादा बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो भी उतने ज़्यादा बढ़ने चाहिए, और नहीं तो प्रिवेंटिव मेजर्स हमको उतने अच्छे से बढ़ाने होंगे। डॉक्टर मऊ, महिलाओं से जुड़े कैंसर का भी जिक्र आपने किया, महिलाओं से जुड़े जो कैंसर हैं खास करके भारत या ग्रामीण इलाके या ऐसे स्टेट जहां पर अवेयरनेस नहीं है, क्या इसकी वजह से भी महिलाएं कैंसर का शिकार हो सकती हैं, चाहे सर्वाइकल है या गर्भाशय का कैंसर है, क्या इससे जुड़े या ब्रेस्ट का कैंसर है, इसके पीछे जो जागरूकता है हमको लगता है ऐसे स्टेट में वो हमको और ज्यादा करनी पड़ेगी। डॉक्टर मऊ, अभी तक हमने चर्चा की कि आखिर आज के दिन को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है और हम इसमें कहां तक है और हमें क्या करना चाहिए, लेकिन सर्जरी खास करके कैंसर के ट्रीटमेंट का शुरुआती जो पड़ाव है जिसमें सर्जरी होनी है, सर्जरी कितनी महत्वपूर्ण है और सर्जरी को अगर अवॉइड किया जाता है तो क्या ये बीमारी बहुत जल्दी स्टेज पार कर सकती है? जी, कैंसर हम सब जानते हैं, जैसे कैंसर का एक होना वो मल्टीफैक्टोरियल है, किसी एक कारण से मरीज में कैंसर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कारण रहते हैं, वैसे ही उसकी ट्रीटमेंट भी मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है, यानी किसी एक ट्रीटमेंट से मरीज को ठीक करना उसमें संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि हम देखते हैं, और ये जो है डिसीजन मेकिंग, ये डिपेंड करता है कि कैंसर कौन से ऑर्गन में आया है, कौन से अंग में आया है, और दूसरा उसकी स्टेज क्या है। जैसे हम एक एग्जांपल ले तो ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट हमारे पास आया है, अगर गठान की साइज 5 सेंटीमीटर से कम है, बीमारी गुटलियों में आगे बढ़ी हुई नहीं है, स्टेजिंग में कहीं और हमको बीमारी नहीं दिखती है किसी और ऑर्गन में, तो उसका मतलब कि वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है। और उसका जो हमारा जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, हमारा जो नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का जो एल्गोरिथम है, जिससे प्रेरित होकर हम वो ट्रीटमेंट डिसीजन पेशेंट में अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ही सर्जरी है। सेम मुंह और जबड़े के कैंसर में भी स्टेज 1, 2, 3 और इवन स्टेज 4A तक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ही सर्जरी है। कोलोन कैंसर कभी अगर हम एग्जांपल रहे तो उसमें भी स्टेज 1, 2, 3 तक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सर्जरी है।
लंग कैंसर भी अगर अर्ली है, ट्यूमर साइज 7 सेंटीमीटर से छोटा कम है, अगर गुठलियां नहीं हुई है चेस्ट के अंदर, तो उसमें भी सर्जरी प्रायोरिटी ट्रीटमेंट है। तो सर्जरी को एस्केप करके हम सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाएंगे या हम सिर्फ दवाई या सिकाई लेके ठीक हो जाएंगे, ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैंसर में मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट लगता है। जिस पेशेंट की सर्जरी होती है उसकी रिपोर्ट पढ़ी जाती है, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट को गौर से देखा जाता है, उसमें ट्यूमर बोर्ड फॉर्म होता है। अगर उसमें हमको कुछ एडवर्स रिस्क फैक्टर्स लगते हैं कि भाई इसमें बीमारी वापस आ सकती है, इस टाइप के रिस्क फैक्टर्स इनकी रिपोर्ट में दिखते हैं, तो उनको जरूर कीमोथेरेपी का भी उसमें रोल आता है, उसमें सिकाई का भी रोल आता है। तो हम ये जो ट्रीटमेंट लाइन्स जो है उसको एस्केप नहीं कर सकते। अगर हमको कैंसर में विक्टिम होने से सर्वाइवर की ओर की जर्नी करनी है, तो हमको वो ट्रीटमेंट लाइन्स जैसे हमारे एल्गोरिथम में मेंशन है उस ट्रीटमेंट लाइन को लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा कि सर्जरी के लिए आपने कहा डॉक्टर मो, ठीक डॉक्टर पीयूष, यही चीजें होती हैं कि अगर किसी को पता चला कि सर्जरी हो गई है तो लोग, ज्यादातर लोग ग्रामीण जो इलाके के आते हैं उनको ये लगता है कि अगर ऑपरेशन हो गया तो बीमारी काफी हद तक खत्म हो चुकी है और अभी दवा के साथ में ठीक हो जाएगा। रेडिएशन या कीमो जब सजेस्ट किया जाता है तो वो कई बार इसमें लापरवाही करते देखे, क्या ऐसी चीजें फेस करते हैं आप लोग कि रेडिएशन को लापरवाही की वजह से बीमारी जो है वापस बढ़ जाती है? ये बहुत ही सामान्य सी बात है, पेशेंट एक बार ऑपरेट हो जाता है तो वो सोचता है उसकी बीमारी खत्म हो गई। वो उस समय के लिए सच बात भी है कि हो सकता है कंप्लीट रिमूवल हो गया हो, पर रिकरेंस कि कितनी जल्दी बीमारी आ सकती है, कहाँ कहाँ स्प्रेड हो सकती है, ये उस पैथोलॉजी रिपोर्ट जो मैडम ने बताया था, पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको एडजुवेंट मतलब सर्जरी के बाद आगे रेडिएशन या कीमो या दोनों कंबाइंड देना है कि नहीं देना है। तो पेशेंट को ये समझना ज़रूरी है कि एक बार सर्जरी हो जाने के बाद सेकेंड कंसल्टेशन होना ज़रूरी है, हो सकता है उसको आगे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े जी। पर ये कन्फर्मेशन उसको सही जगह जाके लेकर फिर फॉलोअप, जो मैंने पहले भी बोला था, फॉलोअप एकदम रेगुलर रहना चाहिए, चाहे वो अर्ली स्टेज हो या एडवांस स्टेज हो। बिल्कुल डॉक्टर सिद्धार्थ, ट्रीटमेंट ऑफ लाइन में जैसा कि है, हमने तीनों के बारे में कहा कि कीमो भी कैंसर का ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो क्या जितने कैंसर्स होते हैं सभी में कीमो की जाती है? कीमो को लेकर एक मिथ है कि कीमो अगर होता है तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, मरीज कमजोर हो जाता है, रिकवर नहीं कर पाता, क्या है वास्तव में कीमोथेरेपी? जी, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि क्या हर कैंसर के बाद कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, तो जैसा डॉक्टर पीयूष ने बताया कि एक बार जैसे किसी की सर्जरी हो जाती है तो एडजुवेंट ट्रीटमेंट देना है कि नहीं देना है वो उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर बीमारी कुछ स्टेज को पार कर चुकी है, कोई हाई रिस्क फैक्टर्स मौजूद है, तो ऐसे केसेस में हमको एडजुवेंट कीमोथेरेपी देना पड़ सकता है। अब ये हर एक कैंसर के ऊपर वेरी करता है, मतलब हर एक ऑर्गन के कैंसर के ऊपर भी वेरी करता है और वो कौन से बायोलॉजी का कैंसर है वो भी चीज़ें हमको देखनी होती है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि कई बार लोगों को इस बात का डर लगता है कि कीमोथेरेपी के कारण बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाएंगे, हमारी तकलीफ और बढ़ जाएंगी, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे साइंस में इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है तो पिछले 20 साल में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में ये कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट को लेकर हुआ है। तो इसमें सबसे पहला तो ये है कि एक टारगेटेड ट्रीटमेंट का डेवलपमेंट हुआ है। तो इन टारगेटेड ट्रीटमेंट का बेनिफिट ये है कि ये कैंसर को टारगेट करके बेटर रिस्पॉन्स भी देती है और दूसरी बात इनके कारण साइड इफेक्ट भी कम होता है क्योंकि ये ज़्यादा टारगेटेड वे में एक्ट करती है। दूसरी बात यह कि जो साइटोटॉक्सिक ड्रग भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो जो सपोर्टिव मेडिसिन है, मतलब कि जैसे वॉमिटिंग की मेडिसिन है या हम बोल रहे हैं कि ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत होती थी, जो कमज़ोरी आती है, उन सारी चीज़ों के लिए भी बेटर मेडिसिन आज के डेट में मौजूद है। और जो रेजिमेंट्स में चेंजेस हुए हैं डोजेस के ऊपर नीचे, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च की फाइंडिंग्स आई है, तो उसके हिसाब से आजकल तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम पेशेंट ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं कीमोथेरेपी के। कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन कुछ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स को रोका जा सकता है और बहुत तरीके से ट्रीटमेंट को खत्म, बिल्कुल कम से कम जो गंभीर बीमारी है उससे निजात पाने के लिए ये कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए ताकि आप अपना आगे का जीवन स्वस्थ होकर जी सके। डॉक्टर मो, कई बार ये होता है कि सर्जरी हो गई, उसके बाद में कीमो हो गया, रेडिएशन भी हो गया, एक ट्रीटमेंट चल रहा है और अचानक से क्या ऐसी स्थिति बनती है कि जो कैंसर है वो वापस आ जाता है, क्या वापस दोबारा कभी सर्जरी की नौबत आती है, क्या ऐसे केसेस होते हैं? जी, ऐसे होते हैं। कैंसर का जो रिकरेंस होता है वो बेसिकली उसकी बायोलॉजी पर डिपेंड करता है।
हर डिजीज की एक अपनी बायोलॉजी होती है, हर कैंसर का एक अपना मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग होता है जिससे पता चलता है कि उसका बिहेवियर, उसको हम प्रोग्नोस्टिकेशन बोलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, जैसे हम एग्जाम्पल ले क्योंकि बॉडी में तो 200 टाइप के कैंसर है, लेकिन हम एग्जाम्पल ले कि ब्रेस्ट कैंसर अगर ऐसे स्टेज वन में आया है और उसकी मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी है तो उसमें हम ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं और उसमें रिस्क ऑफ रिकरेंस, जो नेक्स्ट 10 ईयर में रिस्क ऑफ रिकरेंस कम होता है और इसीलिए हम उसमें कीमोथेरेपी अवॉइड कर जाते हैं। तो इसी तरीके से हर कैंसर की एक अपनी मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग और अपनी एक बायोलॉजी होती है। वो बायोलॉजी अगर अच्छी है तो फिर वो लो रिस्क कैटेगरी का पेशेंट है और उसका बीमारी वापस आने का रिस्क कम है। लेकिन अगर वो बायोलॉजी बैड है तो वो हाई रिस्क कैटेगरी ऑफ पेशेंट है। तो हाई रिस्क में पेशेंट को बीमारी आने का रिस्क रहता है और इसीलिए कैंसर की बीमारी में एक बार जब ट्रीटमेंट के बाद मरीज को बीमारी से निजात मिलता है तो वो मरीज को हम साल में 3 या 4 बार बुला के एक रेगुलर फॉलोअप शेड्यूल में अलर्ट रह के देखते रहते हैं कि बीमारी कहीं वापस तो नहीं आ रही है। तो फर्स्ट 2 साल जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है, फर्स्ट 2 साल हम उनको 3 या 4 महीने में एक बार बुला के देखते हैं और नेक्स्ट 3 साल हम उनको 6 महीने में एक बार बुला के देखते हैं। 5 साल निकल जाते हैं तभी हम उनको क्योर डिक्लेयर करते हैं क्योंकि जनरली 5 साल के बाद बीमारी का वापस आने का रिस्क कम हो जाता है। तो अगर बायोलॉजी हाई रिस्क है तो बीमारी वापस आने का रिस्क रहता है, उसको हम रिकरेंट कैंसर बोलते हैं। रिकरेंट कैंसर एक अलग पूरा कैंसर है, उसमें दोबारा मरीज की स्टेजिंग करनी पड़ती है कि वो रिकरेंट कैंसर क्या उसी जगह पर रिकरेंस होकर आया है, लोकल रिकरेंस लेकर आया है या वो लोकल रिकरेंस के साथ वो फैल के भी आया है। अगर लोकल रिकरेंस आया है तो उसमें वापस से हम सर्जरी का ऑप्शन या अगर 5 साल के बाद आया तो दोबारा रेडिएशन का भी ऑप्शन पेशेंट को दे सकते हैं। बिल्कुल। तो कैंसर डे पर आज हमने जो चर्चा की उसमें इस तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश की। उसका सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही साधारण रखिए, बहुत ही सिंपल रखिए ताकि ऐसी गंभीर बीमारी हो ना, और अगर हो रही है तो शुरुआती स्टेज में इसको पकड़कर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिए ताकि स्वस्थ जीवन जिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए। थैंक यू ज्योति। तो वर्ल्ड कैंसर डे पर आज हमने चर्चा की कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी लड़कर हराया जा सकता है बशर्ते आपकी जीवनचर्या बहुत अच्छी हो, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, टोबैको फ्री रहिए और अगर कोई लक्षण आता है तो शुरुआती कदम में आप अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि कैंसर से हम जीत सकें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।